सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या किया जा रहा है? इंडियन ऑयल का एक सामाजिक दायित्व है जिसके अंतर्गत हम जितने भी पिछड़े हुए स्कूल होते हैं उनका उत्थान के लिए हम कुछ मदद करते हैं। तो इंडियन ऑयल के लिए एक सामाजिक दायित्व है, उसके अंतर्गत हमने इसका स्कूल का उत्थान करने की कोशिश की है। इसमें हमने बच्चों को जो पहले टाट पे बैठे थे उनको हमने बेंच दिए हैं, शिक्षकों को कुर्सियाँ दी हैं, कमरों में पंखे लगवाए हैं और रंग रोगन का कार्य किया है और भी अन्य कार्य किए हैं जिससे कि बच्चों का और शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये सरेसर गांव का जो सरकारी स्कूल है तो कई जगह पर देखा जाता है कि सरकारी स्कूल उपेक्षित होते हैं, तो सरकार के भी कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कोशिश तो जैसे चर्चा होती है पूरे, मतलब सभी लोग चर्चा करते हैं कि अगर अच्छी फैमिली के लोग कुछ ऐसा आदेश हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ें तो उससे ज़रूर मतलब जो सरकारी स्कूल है उनका उत्थान होगा। बिकॉज अच्छे स्कूल बच्चे आएंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली उनकी फैसिलिटी भी और बढ़ेंगी और उनका स्कूल का भी उत्थान होगा और पढ़ाई का भी स्तर जो है वो बढ़ेगा। नहीं, हमने गोद के वो पास में है और हमारी लाइन के काफ़ी पास में है और जितना भी हमारी लाइन के पास में जो जितने भी गांव होते हैं हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है उसको हम अगर कुछ मदद कर सकें तो हम लोग मदद करते हैं। तो ये स्कूल हमारे पाइपलाइन के पास में था, इस करके हमने यह फैसला किया कि स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी तो हमने स्कूल को उत्थान करने के लिए मदद की जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़े। मेरा नाम रामविलास यादव, ग्राम प्रधान सरेसर। अभी आप जो प्राथमिक विद्यालय है आपके क्षेत्र में, जी सर, उसको नया रूप दिया गया है, क्या कहना है इस पे, किसने सहयोग किया और क्या क्या सहयोग किया? इंडियन ऑयल के इस समय आए हुए यहाँ पर महाप्रबंधक जी हैं, उप महाप्रबंधक हैं और मैनेजर साहब भी हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। जहाँ के बच्चे हमारे टाट पे बैठते थे उनके लिए ब्रेंच टेबल व्यवस्था कराया गया, पंखा की व्यवस्था कराया गया और जो है पूरे विद्यालय का पेंट और खिड़की दरवाज़ा जितना टूटा था सब मीटिंग कराया गया। बहुत सहयोग किए आप लोगों ने, आपके वजह से जो हमारा गाँव का जो विद्यालय है इस समय हमको लग रहा है कि पूरे हमारे ब्लॉक में ऐसा विद्यालय कहीं नहीं होगा। इससे मैं जो है बहुत खुश हूँ और मेरे गांव के लोग भी सराहना कर रहे हैं। हाँ बोल सकते हैं। ये आपका स्कूल पूरी तरह से मॉडर्न स्कूल हो गया है। जी सर। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सिर्फ हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है। हमको ये लगता है कोई भी अधिकारी आएगा तो लगेगा कि नहीं, हमको कहेगा कि नहीं, जो गांव का इस तरह से लोगों को सबको कहेंगे कि नहीं अच्छा से कार्य किए हैं लोग, अच्छा प्रधान ने काम कराया और इंडियन ऑयल के लोगों का सहयोग जो मिला है इससे लिए मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद कर। तालाब बना हुआ है? जी सर। वो कहीं ना कहीं एक उधर पीछे पूरा बाउंड्री करा करके पूरे मजबूती के साथ पिलर दे के करवाए हैं, उसके बाद भी जो है कि वो कुछ दिन के बाद उसको सही करा देंगे। पूरे रोड के किनारे से बाउंड्री करा करके उसको गेट लगा के फिनिशिंग कराएंगे ताकि कहीं से गड्ढा और पानी, गंदा पानी कहीं से दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने के साथ साथ अगर नीचे पानी रिस भी रहा होगा और जो नी होता है उसे कहीं ना कहीं वो खराब करता है। जी सही। तो बच्चों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। उसके लिए भी मैंने जो है कि दूर से जो है उसको दीवार से दूरी तक मिट्टी डलवा दिया है और इसके बाद 2-3 महीने बाद जब बरसात ख़त्म होगी तो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर देंगे ताकि कहीं से दिखाई नहीं देगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।